हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ मखाने की टिक्की की। ये टिक्की शाम के स्नैक्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। साथ ही में आप इस टिक्की को व्रत के लिए भी बना सकते हैं। टिक्की के साथ मैं एक हरी चटनी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डिलीशियस एंड टेम्पटिंग मखाने की टिक्की को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मखाना लिया है और इसे हम लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। 5 से 7 मिनट तक ही रोस्ट करना है, जब तक कि ये अच्छे से क्रंची नहीं हो जाती। तो ये क्रंची हो चुकी है, अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। अब मखाना को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। साथ ही में सेम पैन में मैंने डाला है 50 ग्राम मूंगफली। जितना आप मखाना ले रहे हैं उसकी आधी क्वांटिटी में मूंगफली ले। मूंगफली को भी हम लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। 5 से 7 मिनट इसमें भी लगेंगे। रोस्ट हो जाने पर इसे ठंडा होने देंगे। मखाने ठंडे हो गए, इसे हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और आप इसका क्रंच सुन सकते हैं। अब ढक्कन लगाकर इसे हम दरदरा पीस लेंगे। दरदरा पीसेंगे और मैं आपको दिखा रही हूँ पीसने के बाद इसमें थोड़े से कोर्स ग्रैन्यूल्स भी है। इसी तरह से मूंगफली ठंडी हो चुकी है, इसे भी हम ग्राइंडिंग जार में पीस लेंगे। इसे भी हमें दरदरा पीसना है। तो मूंगफली भी हमारी पिस चुकी है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं और आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सेंधा नमक। आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करा हुआ, 1 हरी मिर्च कटी हुई, 2 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें हम मूंगफली का पाउडर और मखाना जो हमने दरदरा पीसा था वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मुझसे चम्मच के हेल्प से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने हाथों के हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स किया। और जब आप इसे मिक्स करोगे तो ये एक डो की तरह हो जाएगा, यानी कि मखाने और जो मूंगफली है आलू का मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेंगी। इस मिक्सचर में से एक छोटा सा पोर्शन ले ले और इसे अच्छे से हाथों के बीच रोल कर ले और थोड़ा सा चपटा कर ले। तो इसी तरह से हमें टिक्की को बना लेना है और बाकी टिक्की भी हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। टिक्की को फ्राई करने के लिए एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालें या फिर घी डालें। मैंने घी का यूज़ किया है और इसे अच्छे से फैला लेंगे। फिर फ्लेम को लो कर दें और फिर एक एक करके सारी टिक्की डाल दें जब घी गर्म हो जाए। और टिक्की को हम कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे। फिर इसे पलट देंगे। पलट कर भी हम इसे दूसरे तरफ से भी 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, यानी कि जब तक ये अच्छे से गोल्डन और थोड़ी सी क्रिस्पी नहीं हो जाती। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई या एयर फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे ही प्रेफर करती हूँ। तो टिक्की हमारी दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो चुकी है। टिक्की रेडी, इसे निकाल लेते हैं। अब चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप कटा हुआ हरा धनिया लिया है, 1 से 2 हरी मिर्च ले लेंगे और 1 इंच कटा हुआ अदरक ले लेंगे, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून चीनी और साथ ही में 1 टीस्पून सेंधा नमक या फिर आप नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच मैंने नींबू का रस लिया है और थोड़ा सा पानी डाला है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे तो नींबू का रस अवॉइड करें। और इसे पीस लेंगे हम। तो हमारी चटनी रेडी है और इसे हम गर्मा गर्म मखाने की टिक्की के साथ सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।